मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का टॉपिक है ईश्वर किसकी मदद करता है। ईश्वर चलिए या हम किसकी मदद करते हैं क्या है? अच्छा एक बात बताइए, रोड क्रॉस करना है हम किसकी मदद करेंगे, एक अंधे की या जिसके पास आंखें दी है? जिसके पास आंख नहीं है उसको हम हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाएंगे, जो बच्चा है उसको हम क्रॉस करवाएंगे, जो बुजुर्ग है उसको क्रॉस करवाएंगे। वैसे ही प्रभु भी जो सच्चा है, इनोसेंट है, उसकी ही मदद करते हैं। किसी के मन में अगर किसी के लिए द्वेष है, कुछ है, तो ईश्वर करता है मदद हर किसी, क्योंकि संतान सभी हैं, सबकी मदद करते हैं प्रभु, दे सवे सबके करते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसकी मदद करते हैं? जो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, उनके ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं, उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप भी देखते हो, एक पिता है, एक बच्चे को ऊपर की ओर उछालता है, तो उछालते वक्त आपने गौर किया है, बच्चा मुस्कुराता है और आराम से ऊपर से जंप करता है, तो सेफली, उसको पता है कि वह सेफ हैंड में है, क्यों? पिता है ना। वैसे ही जब हमें पिता ऊपर उछालता है, तो समझिए हमारे जिंदगी में दुख का थोड़ा सा टाइम आ गया, फिर वो गोदी में ले लेते हैं। यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर हमेशा जो सच्चे हैं उनकी मदद करने हमेशा आ जाते हैं, जो चाल चालाकी चलते हैं, थोड़ी देर के लिए उन सक्सेस भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप खुद देखिए, आप देखेंगे कई हैं जो शुरुआत में बिजनेस में या किसी जॉब में आपने देखा घूस लिया, खूब कमाएंगे, खूब काफ़ी कुछ, लेकिन उनकी लाइफ में देखना आप, काफ़ी नेगेटिव चीज़ भी आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम देखते ये भी हैं गरीब है लेकिन सच्चा है, उसके पास देखना पैसे नहीं है लेकिन खुशियां हैं। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, आप समझिएगा इस बात को कि क्या कहना चाहती हूँ, प्रभु किसके साथ रहता है। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, उस वह हमेशा बहुत खाता था, घर वाले परेशान, कुछ काम धाम कुछ नहीं करता, बस खाते ही रहता है, तो उसको घर से निकाल देते और कहते हैं जा और कमा के आ, कमा और खा, तो वो निकल जाता है। अब वो सोचता है मेरे को भूख बहुत लगती है, मैं क्या करूं, तो वो जाता है, फिर एक सामने कुछ समय दूर पे जाता है तो देखता है एक मंदिर है, मंदिर के पास एक मठ है, मठ में पंडित आते हैं और पूजा करते हैं और खाना खाते हैं और बस फिर सो जाते हैं। कहते हैं ये इससे अच्छा कोई जॉब हो ही नहीं सकता, कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो वो चला जाता है और कहता है वहाँ के जो हेड होता है, महंत होता है या कहो पंडित होता है, उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे भी ये सिखा दो, ग्रंथ पढ़ना, मुझे भी ये चीज़ बता दो। तो वो कहते ठीक है तुम रहो सीखो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, रोज़ खाता था, पढ़ता था और सो जाता था। तो एक दिन क्या होता है, व्रत आ जाते, एकादशी का व्रत। अब वो सोचता है सब पंडित ने तो रखा व्रत, सब संतों ने रखा व्रत, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, अब मैं क्या करूं। जो उनका हेड होता है उनके पास जाता है, कहता है महात्मा जी ये बताइए मैं क्या करूं, मुझसे भूखा रहा नहीं जाता। कहते ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो गाय को चराने जंगल जाओ, मैं कुछ खाना देता हूँ, अपने लिए पका के खा लेना वहीं पे। तो कहता ठीक है, जाता है वो भगवान के गाना गाते गाते, गाय भी चर रही होती, वो खाना बना रहा था, तो देखता है वहाँ से दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति कहते हमें भी खिलाओ साथ में। कहते तुम कौन? तो कहता है मैं राम हूँ, ये मेरा भाई लक्ष्मण है। तो कहते कि तुम्हें भी खिलाना होगा। कहते ठीक है आओ भाई तुम भी खा लो। फिर वो जाता है, फिर घर जा वहाँ पे जाता है, फिर पंडित जी से शुक्रिया करता है, फिर अगले महीने फिर एक व्रत आता है, तो फिर पंडित जी के पास चल जाता है, फिर पंडित जी को कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे भूख
लगती है, तो उन्होंने फिर दिया थोड़ा, तो कहते अब नहीं मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। दो व्यक्ति और आते उधर खाने, अपना नाम राम और लक्ष्मण बताते हैं। पहले वो मुस्कुराते हैं, फिर वो दे देते हैं। फिर वो बनाता है, जंगल जाता है, बनाता है खाना, फिर देखता है अरे ये तो 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए। तो कहता अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, 5 लोग आ गए। तो वो कह वो भी आते खाने, कहते अच्छा अब ये किसको लेकर आगे साथ। कहते ये तो लक्ष्मण है, ये मेरी बीवी है सीता है, ये मेरा भाई भरत है ना। तो ऐसे करके वो सबका बताता है। फिर कहता ठीक है तुम भी खा लो। फिर आगे फिर नेक्स्ट मंथ फिर व्रत आता है, फिर वो बहन जी से कहता है कि आप मुझे खाना थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, पता नहीं पहले तो 2 आए थे अब 5 आ गए, आप कहो 10 ना आ जाए। तो कहते हैं कि पता नहीं ये झूठ तो नहीं बोलता ऐसे, कहीं ये बेचता तो नहीं है खान जो मैं हम खाना देते हैं। तो वो जा कहते ठीक है उसको दे देते खाना, वो जाके बना रहा होता। फिर प्रभु का नाम से गीत गाते भजन गाते हुए बना रहा होता है। और वही जो महंत होता है वो पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है बना रहा है। फिर वो बनाते वक्त फिर वो देखता है कि बहुत सारे लोग आ गए, हनुमान जी भी आ गए, सुग्रीव भी आ गए। कहते अब इतनी सारी पलटन किस लिए लाए। कह रहे मुझे पता था आप लोग सब आओगे, ज़्यादा लेकर आओगे, इसीलिए मैं ज़्यादा खाना लेकर आया हूँ। तो कहते लेकिन मैं अकेले नहीं बनाऊँगा, बनाओ आप लोग सब मदद करो तब मैं। तो कहते ठीक है हम भी मदद करें, खाएंगे हम तो हम बनाते हैं। तो वो देख रहे होते कि पता नहीं किससे वो बात कर रहा है और बनाए जा रहा है। तो वो जाता है कहता है बेटा तू किससे बात कर रहा है। कहते ये देखो तो राम है, ये लक्ष्मण है, ये देखो सीता मैया है, देखो काम कर रही है ना राम। तो कहते सब काम कर रहे पर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कहते अरे कोई नहीं दिख रहा, इधर इतने सारे लोग हैं, वानर सेना सब हैं, आपको कोई नहीं दिख रहा। तो वो कहते कोई नहीं बेटा। फिर वो सोचते हैं क्या पता। तो कहते बेटा इनको बोलो मुझे भी दर्शन दे एक बार, मैं इतनी ग्रंथ किताबें सब पढ़ता हूँ लेकिन मुझे आज तक किसी के दर्शन नहीं हुए। तो वो कहते अच्छा। फिर हाथ जोड़ते कहते आप जो कोई भी हो मेरे जो इष्ट मेरे जो गुरु हैं उनको भी दर्शन दीजिए। तो कह वो राम कहते हैं राम जी कहते हैं ठीक है तेरे कहने से मैं इनको दर्शन देता हूँ। लेकिन इनको अहंकार बहुत था अपने कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं सबको पाठ पढ़ाता सब कुछ बताता, मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, तो भोला है इसीलिए मैं आया। तो वो कहता है सच में गुरु को भी दर्शन होते तो कहते बेटा तेरे वजह से मुझे आज भगवान के दर्शन हुए। आप खुद सोचना हम भी किसकी मदद करते हैं, अब वो तो प्रभु हैं, हम सबके मालिक, हम सबके प्रभु, हम सबके माता पिता, बंधु सखा सभी वही हैं। तो कहते हैं जहाँ चालाकी है वहाँ प्रभु नहीं है, जहाँ मासूमियत है, जहाँ एक दूसरे की मदद है, सबके लिए खुद का भला सबका भला, जो जहाँ सोचेगा वहाँ प्रभु है, आपकी मदद करने वो खुद आ जाता है। तो कहते हैं ना अगर आपको मेरे वर्ड्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।